उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मामले पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की साइट पर चल रहे विज्ञापन पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक्ट 2015 के अंतर्गत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का गठन सिर्फ परमानेंट पोस्ट के लिए किया गया था, लेकिन नियुक्ति संविदा पर की जा रही थी। वहीं संविदा पर कार्यरत डॉक्टरों ने अपने समायोजन हेतु याचिका दाखिल की थी। इसके आने के बाद भी डॉक्टर्स की भर्ती हेतु एक विज्ञापन वेबसाइट से हटाया नहीं गया था। आज मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की साइट पर मौजूदा विज्ञापन पर उसे हटा दिया गया है। वादी पक्ष के अधिवक्ता से जब हमने इस मामले पर बातचीत करी तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के मुद्दे पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब जाकर सरकार की नींद जागी है और उस बोर्ड ने अपने विज्ञापन को अपनी साइट पर रोक लगाई है। इस पूरे मामले पर जानकारी लेंगे, वादी पक्ष के अधिवक्ता हमारे साथ यहां पर मौजूद है, हर्ष निधि शर्मा, उन्हीं से जानेंगे क्या कुछ कहना है। हर्ष निधि जी, आपका निशन स्वागत है। हमारे उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को एक आदेश पारित किया था कि जो उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला 138 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पे, उस पर कुछ देहरादून मेडिकल कॉलेज के करीबन 35 डॉक्टरों ने एक याचिका आयोजित की थी, जिसमें यह रिक्वेस्ट की गई थी कि वो लोग, क्योंकि स्वयं ही उत्तराखंड मेडिकल सिलेक्शन बोर्ड से चयनित होकर आए हैं, तो उन्हें उसमें समायोजित किया जाए, अन्यथा और जो भी वैकेंसीज 138 जो वैकेंसीज हैं उनको एब्जॉर्ब करके बाकी जो वैकेंसीज हैं उनको वो फिल कर लें। इस पर हमारे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से टाइम मांगा गया था, उन्हें समय दिया गया था कि वो अपना पक्ष रखें, परंतु उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा, जिस पे हमारे रिक्वेस्ट के अनुसार हमने 138 पोस्ट जो निकाली थी उनको स्टॉप करने के लिए आग्रह किया माननीय उच्च न्यायालय से। तब 10 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय ने उन पोस्टों को स्टॉप कर दिया। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो नियमावली है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो भी वैकेंसीज निकालेगा वह परमानेंट रूप से मानी जाएंगी, परंतु यह परमानेंट ना करके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा पर रख दिया है, जो कि सरासर गलत है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों पे जो है ये हमारा डबल बेंच पे हमारा ये मुकदमा है, वो उन्होंने 24 तारीख तक का समय दिया है सरकार को, डायरेक्टर को और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को। यदि वो 24 तारीख तक अपना जवाब नहीं देते हैं तो माननीय न्यायालय अपना निर्णय देगा। नेशन वन ब्यूरो रिपोर्ट।